गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। अब हम लोग संस्कृत का तीसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वीरः वीरेण पूज्यते। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का जो शीर्षक है उसका अर्थ देखेंगे। वीरः वीरेण पूज्यते, वीरेण यानी वीर के द्वारा, वीर के द्वारा वीर की पूज्यते मतलब पूजा की जाती है। फिर से देखें, वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है। अब हम लोग इस चैप्टर का संदर्भ जानेंगे। बच्चों, ये चैप्टर जो है नाटक के रूप में है, तो हम लोग इसका संदर्भ जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत नाटक नाट्य खंड जो है हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चैप्टर को देखेंगे। स्थानम, स्थान अलछेंद्रस्य सैन्य शिविरम। बच्चों, आप सबने सिकंदर और पुरु की जो कहानी है, जो इतिहास में आप लोग ने इसका अध्ययन किया होगा। देखिए, इसमें इनके वार्तालाप का वर्णन है थोड़ा सा कि विजयी सिकंदर है और बंदी पुरु राज है, उन लोगों की आपस में वार्ता चल रही, बातचीत चल रही, संवाद के रूप में यहाँ पे आपको अध्ययन करना है। स्थानम, स्थान जो है अलछेंद्रस्य सैन्य शिविरम। अलछेंद्रस्य यानी सिकंदर, अलछेंद्रस्य का अर्थ क्या है? सिकंदर। सिकंदर का सैन्य शिविर है, आप सब जानते हैं युद्ध में शिविर बनाए जाते हैं, तो उसमें शिविर का वर्णन है, युद्ध के मैदान में जो सैन्य शिविर है सेनाओं का उसका, तो किसका है? सिकंदर का सैन्य शिविर है। अलछेंद्रस्य आम्भीकः च आसीनो वर्तते। अलछेंद्र यानी जो सिकंदर, च मतलब और, आम्भीक आसीनो वर्तते, आसीनो मतलब बैठे, वर्तते मतलब हैं। कौन कौन बैठा है? सिकंदर और अम्भीक बैठे हैं। वंदिनम पुरु राजम, बंदी पुरु राज, अग्रे, अग्रे मतलब आगे, कृत्वा मतलब करके, एकतः एक ओर से, प्रविष्यति यवन सेनापति, यवन सेनापति प्रविष्यति मतलब प्रवेश करता है। देखिए पूरे का अर्थ, बंदी पुरु राज को आगे करके एक ओर से यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति, अब देखिए सेनापति क्या कह रहा है? विजेताम सम्राट, सम्राट की विजय हो। पुरु राज, पुरु राज कह रहा है, इश भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादते, वाद्यते। इश, इश मतलब यह है, भारत वीरो अपि, भारत वीर भी यवन राजम, यवन राज को अभिवादयते, अभिवादन करता है। यह भारत वीर भी यवन राज को अभिवादन करता है। अलछेंद्रस, अलछेंद्र मतलब हमने क्या बताया था? सिकंदर। साक्षेपम, साक्षेपम मतलब होता है व्यंग पूर्वक डांटते हुए, साक्षेपम मतलब व्यंग पूर्वक डांटते हुए। अहो, अरे, बंधन गतः, बंधन गता मतलब बंधे, बंधा हुआ होने पर, अपि मतलब भी, बंधा हुआ होने पर भी,
सुनने को वीर इति वीर ऐसा मन्य से मतलब मानता है पुरुराज अपने को वीर ऐसा मानता है मतलब बंधा हुआ होने पर भी ये क्या है बंदी बनाया गया है ना पुरुराज तो वही बंधा हुआ होने पर भी अपने को पुरुराज जो है वीर ऐसा मन्य से मतलब मानता है पुरुराज यवन राजा है संबोधन चिन्ह देखिए तो क्या होगा हे यवन राज यानी सिकंदर सिंहस्तो सिंह एव सिंह तो सिंह ही होता है क्या बोल रहा है पुरुराज कि हे यवन राज सिंह तो सिंह ही होता है वने वा मतलब अथवा वन में अथवा भवतो पंजरे वा भवतो मतलब हो पंजरे वा अथवा पिंजड़े में या पिंजड़े में तो यहाँ पे क्या है सिंह तो सिंह ही होता है सिंह है वने यानि वन में या तो वन में हो या किसमें पिंजड़े में अलचिंद्र यानि सिकंदर किंतु पंजरस्थ सिंह न किमपि पराक्रमते किंतु पंजरस्थ पंजरस्थ मतलब पिंजड़े में स्थित किंतु पिंजड़े में स्थित सिंह सिंह न किमपि पराक्रमते न किमपि यानी कि कुछ भी पराक्रम नहीं करता है हाँ यहाँ पे क्या है पराक्रम नहीं करता है किंतु पिंजड़े में स्थित सिंह जो है कुछ भी पराक्रम ना मतलब नहीं करता है पुरुराज पराक्रमते पुरुराज कह रहा है पराक्रमते पराक्रम करता है यदि अवसर क्या हो लभते मतलब प्राप्त हो या उपलब्ध हो सके यदि अवसर उपलब्ध हो सके तो क्या है पराक्रम करता है अपि च यवन राजा अपि मतलब भी च मतलब और भी यवन राजा संबोधन चिन्ह और भी यवन राज बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो हि वीरता बंधनम यानि बंधन हो मरणम वा अपि यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो वा प्लस अपि है वा मतलब होता है अथवा या होता है और वा अपि मतलब भी बंधनम बंधन हो अथवा मरणम मतलब मृत्यु हो बंधन हो अथवा मृत्यु जयो वापि पराजयो जयो यानि विजय हो वापि मतलब अथवा पराजय भी उभयत्र मतलब होता है दोनों स्थितियों में समो मतलब समान वीर यानी वीर दोनों स्थितियों में वीर कैसा होता है वीर समान रहता है वीर भावो ही वीरता वीर भाव का होना ही क्या है वीरता है वीर भावो ही वीरता और वीर भाव का होना ही क्या है वीरता है अब पूरे का एक बार में अर्थ देखेंगे बंधन हो अथवा मृत्यु मरणम यानी मृत्यु जयो यानी विजय
वा यानी अथवा विजय हो, अथवा क्या पराजय, उभयत्र यानी दोनों स्थितियों में, यानी उभयत्र यानी दोनों ओर। वीर क्या होता है? समो यानी समान होता है, समान रहता है। वीर भावो ही वीरता, वीर भाव का होना ही वीरता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखें। अम्बिराज, अम्बिराज सम्राट, सम्राट को संबोधित करते हुए कह रहा है हे सम्राट, संबोधन चिन्ह है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? हे सम्राट। वाचाल एष हंतव्या, एष मतलब यह, यह वाचाल, वाचाल मतलब जो बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वाचाल। यह वाचाल हंतव्या, हंतव्या मतलब मार डालने योग्य है। सेनापति है, क्या कह रहा है? आदिष्टो सम्राट, सम्राट आदिष्टो मतलब आदेश दीजिए, हे सम्राट आदेश दीजिए। अलछेन्द्र, अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। अथ मम सं मैत्री संधे यानी कि हे पुरुराज, यहाँ पे लास्ट में लिखा है ना पुरुराज, तो पुरुराज को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे पुरुराज मम मैत्री संधे यानी मेरी मैत्री संधि के अस्वीकरणे, अस्वीकार करने में तब तुम्हारी किम अभिमतम, तुम्हारी किम मतलब क्या, अभिमतम मतलब इच्छा थी, आसीत मतलब थी। हे पुरुराज मेरे मैत्री संधि, मित्रता संधि यानी मैत्री संधि के अस्वीकरणे, अस्वीकार करने में तब यानी तुम्हारी किम मतलब क्या, अभिमतम मतलब इच्छा थी, आसीत मतलब थी। अब पुरुराज कह रहा है, पुरुराज स्वराजस्य रक्षा, पुरुराज कह रहा है स्व मतलब अपने, राजस्य मतलब राज्य की रक्षा, अपने राज्य की रक्षा। राष्ट्र द्रोहाश्च मुक्ति च मतलब और, राष्ट्र द्रोह से क्या है मुक्ति यानी छुटकारा, और राष्ट्र द्रोह से छुटकारा। अब अलछेन्द्र वो है, कथन है अलछेन्द्र यानी सिकंदर। मैत्री करने अपि राष्ट्र द्रोह, मैत्री करने मित्रता करने में भी राष्ट्र द्रोह है। पुरुराज अब कह रहा है आम, आम मतलब हाँ, राष्ट्र द्रोह, राष्ट्र द्रोह दो यानी राष्ट्र द्रोह। यवन राज, यवन राज संबोधन चिन्ह, बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके यवन राज यानी सिकंदर को ये संबोधित करते हुए कह रहा है आम हाँ राष्ट्र द्रोह। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, एकम मतलब एक, इदम मतलब यह, भारतम राष्ट्रम भारत राष्ट्र, यह भारत राष्ट्र एक है, क्या होगा पूरे का, यह भारत राष्ट्र क्या है एक है। बहूनि चा अत्र राज्यानि, चात्र लिखा है ना, च प्लस अत्र संधि विच्छेद करेंगे तो च प्लस अत्र होगा, चा मतलब और, अत्र मतलब यहाँ। बहूनि यानी बहुत से राज्यानि राज्य हैं, और यहाँ बहुत से राज्य हैं। बहवश्य, बहवश्य चाय इसमें भी जुड़ा है, और बहुत से शासकाः शासक हैं। देखिए बच्चों ये बहुवचन है, शासकाः यानी यहाँ पे है नहीं होगा, है होगा, है पे बिंदी,
त्वं मैत्री संधिना, त्वं तुम मैत्री संधि के द्वारा, तान उनको विभज्य बांटकर भारतम भारत को जीतुम जीतना इच्छसी चाहते हो, तुम मैत्री संधि के द्वारा तान उनको विभज्य मतलब बांटकर भारतम भारत को जीतुम यानी जीतना इच्छसी मतलब चाहते हो, तुम मैत्री संधि के द्वारा उनको बांटकर भारत को जीतना चाहते हो। अंबिका चा अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, अंबिक चा, चा मतलब और अंबिक, अस्य मतलब इसका, प्रत्यक्षम प्रमाणम प्रत्यक्ष प्रमाण है। आलचेंद्र यानी सिकंदर, भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारतम भारत, एकम राष्ट्रम एक राष्ट्र है, इति ऐसा, तव तुम्हारा, वचनम वचन, विरुद्धम विरुद्धम यानी विपरीत है, भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा ऐसा तुम्हारा वचन विपरीत है या कथन विपरीत है, इह तावत, इह तावत यहां तो, इह तावत, इह मतलब यहां, तावत मतलब तो, राजानः राजा, जनाः च और जनाः यानी लोग, यहां तो राजा और लोग परस्परम यानी आपस में द्रुह्यन्ति, द्रुह्यन्ति मतलब शत्रुता करते हैं, द्रुह्यन्ति मतलब शत्रुता करते हैं, यहां तो राजा और लोग परस्परम यानी आपस में द्रुह्यन्ति यानी शत्रुता करते हैं। अब पुरुराज का कथन है, देखिए, तत् सर्वम् अस्माकम् आंतरिकः विषयः, तत् तत् मतलब यह, सर्वम् मतलब सब, यह सब, अस्माकम् मतलब हमारा, आंतरिकः विषयः आंतरिक विषय है, बाह्य शक्ते बाहरी शक्ति का, तत्र तत्र मतलब वहां, वहां या इसमें, बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप, हस्तक्षेप असह्य असहनीय है, यवन राज को संबोधित करके कह रहा है कि हे यवन राज, बाहरी शक्ति का इसमें, तत्र मतलब जैसे वहां होता है लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसमें, इसमें बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप असह्य असहनीय है। हस्तक्षेप मतलब तो बच्चों आप लोग जानते ही होंगे, मतलब किसी के अंदर जो है अपने बात को क्या है, अपने चीजों को लाना नहीं, मतलब कि उनसे उनके कार्यों में विघ्न ना डालना, हस्तक्षेप नहीं करना, ठीक है। तो ये रहा, अब आगे देखते हैं, पृथक धर्मा, पृथक यानी अलग अलग, धर्मा धर्म है, पृथक भाषा भूषा अपि, अपि मतलब भी, और पृथक यानी अलग अलग, भाषा भूषा अलग अलग, भाषा अलग अलग क्या है, वेशभूषा होने पर भी, अपि मतलब भी, वयम सर्वे हम सभी, वयम मतलब हम सब और सर्वे मतलब सभी, हम सभी क्या है, भारतिया भारतीय हैं, पूरे का अर्थ देखेंगे, अलग अलग धर्म और अलग अलग भाषा और अलग अलग वेशभूषा होने पर भी, वयम सर्वे हम सब क्या है, भारत
भारतिया भारतीय हैं, है पेबिंदी। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, अस्माकम मतलब हमारा राष्ट्र जो है क्या है, विशालम विशाल है। तथा ही क्योंकि उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रे हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम, इसमें बच्चे तीन जो है शब्द जुड़ा है, हिमाद्रे च एव दक्षिणम अलग है। वर्षम यत् तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। उत्तरम यत्र समुद्रस्य, जो यत् मतलब जो, समुद्रस्य समुद्र के, उत्तरम उत्तर में, च मतलब और, हिमाद्रे यानी हिमालय के, दक्षिणम दक्षिण में स्थित है। कौन भारत के लिए बताया जा रहा है कि क्या है, उत्तर में इसके क्या है, जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के क्या है दक्षिण में स्थित है। वर्षम तद् भारतम नाम, वह भारत वर्ष नाम का देश है। वह क्या है, भारत वर्ष नाम का क्या है, देश है। भारती यत्र संतति, यत्र जहां की संतति यानी संतान भारती भारतीय है। अब पूरे श्लोक का इसका अर्थ देखेंगे, क्योंकि पहले तथा ही लिखा था ना, उसका मतलब क्योंकि। उत्तरम यत्र समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में, च मतलब और, हिमाद्रे मतलब हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तद वह भारत वर्ष, भारतम वर्षम, वह भारत वर्ष नाम का देश है। भारती यत्र संतति, जह यत्र यानी जहां की संतति यानी संतान भारतीय है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद का हम लोग क्या करेंगे, बाद में नेक्स्ट वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसके अर्थ को अपनी फेयर कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, ताकि आपके पास ये सुरक्षित रहे। बच्चों थैंक यू।